हेलो एवरीवन, मेरी फ्रेंड घर आई थी और मुझे बोलने लगी चलो मुझे सिंधी ढोडे तो बना के खिलाओ। तो बस मुझे यही लगा कि आप सबके साथ मैं आपके साथ सिंधी ढोडे की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपनी फैमिली में खिलाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको चावल का आटा ले लेना है और उसमें सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, हल्दी, नमक ऐड कर दिया है। और हल्दी पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करिए। आप चाहें तो इसमें आप छोटे छोटे पीसेस आलू के भी ऐड कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आटा लगा देना है। आप हल्का हल्का वाटर ऐड करेंगे और आटा आपका डो तैयार हो जाएगा ढोडे का। देखिए यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ढोडे का आटा रेडी हो गया है। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसे सेट कर देंगे। अब उसे बनाना कैसा है तो चलिए आज ये भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक वेट कपड़ा ले लेना है, हल्का सा गीला, उसे आप वाटर में डाल दीजिएगा। बस उसमें आप अपने डो को लीजिए और अपने हाथों से हल्का सा ऑयल लगा के उसे आप अपने हाथों से रोटी की जैसे तैयार करते जाइए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, बस आपका ढोडा बनके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको बेल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत एक इजी ऑप्शन होता है। बस तवा गरम कर देना है, लो फ्लेम में आपको दोनों साइड से उसे 3 to 4 मिनट्स तक पकाते रहना है। यहाँ पे आप घी लगाइए या ऑयल लगाइए जो आपको पसंद है, और आपके गर्मा गर्म ढोडे रेडी हैं। आप इससे चाहें तो दही के साथ सर्व करिए, अचार, पापड़, टमाटर की चटनी के साथ सर्व करिए, आपको ये ढोडे बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो आप ये ढोडे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे ये ढोडे कैसे बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।